इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस ने पंजाब से आए किसानों को दिल्ली में बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में प्रदर्शन की इजाजत दी है, लेकिन फिलहाल किसान इस ग्राउंड में जाने को तैयार नहीं है। बताया जा रहा है कि अब से थोड़ी देर में किसान नेता इस बात पर फैसला लेंगे कि वो बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में प्रदर्शन के लिए जाएंगे या फिर टिकरी बॉर्डर पर ही प्रदर्शन करेंगे। किसान संगठनों ने रामलीला मैदान में नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन की इजाजत मांगी थी, लेकिन पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए इनकार कर दिया। इस बीच यूपी से भी कुछ किसान संगठन समर्थन देने के लिए बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड पहुंचे हुए हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं टिकरी बॉर्डर की, जहां पर डटे हुए हैं किसान आगे बढ़ने के लिए, लेकिन पुलिस की तरफ से बैरिकेड लगाए गए हैं। किसानों की मांग थी कि रामलीला मैदान तक जाने दिया जाए, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कहा कानून व्यवस्था का मसला है, इसलिए आपको दिल्ली के रामलीला मैदान तक जाने की इजाजत नहीं, बल्कि निरंकारी ग्राउंड पर आप जाकर प्रदर्शन कर सकते हैं। इस सबके बीच यूपी से पहुंचे किसान बुराड़ी निरंकारी ग्राउंड में। पंजाब हरियाणा के किसानों के साथ के किसान भी निरंकारी मैदान में पहुंच चुके हैं। ये किसान ट्रैक्टर से पहुंचे हैं, आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के आसपास के ये सभी किसान यहाँ निरंकारी मैदान में किसानों को समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। हमारे साथ कुछ किसान हैं बात करने के लिए। ये पहले बताइए कि आप कहाँ से आए हैं, और अभी तक कहा जा रहा था कि जो किसान पंजाब और हरियाणा से आ रहे हैं, आप किस तरह से समर्थन देने के लिए आए हैं? नमस्कार, मेरा नाम कैलाश सिंह लांबा है और हम सब साथियों के साथ बिजनौर से यहाँ पहुँचे हैं। जब हम पता चला कि हमारे किसान भाइयों को, पंजाब के हरियाणा के भाइयों को जो है बॉर्डर पर रोक दिया गया है, तो हम तहसील में बैठे थे, क्रमिक अनशन पर बैठे थे। वहाँ से कल 3 बजे हम स्टार्ट हो गए हैं और आज 400 लोग के करीब हम यहाँ पहुँचे हैं। पीछे से और भी बहुत लोग आ रहे हैं, और जब तक जो है कि सरकार जो है हमारी बात नहीं मानेगी, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, रुकने का नहीं। क्या बात मनवाना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, पूरी तरह से कानून वापसी की मांग आप कर रहे हैं? हम ये चाहते हैं जो 3 अध्यादेश है, 3 कानून है, काले कानून है, वे वापिस हो, वरना उसमें जो न्यूनतम समर्थन संपूर्ण गारंटी की उसमें एक लाइन जोड़ गारंटी होनी चाहिए। क्या खतरा है आपको इन कानूनों से, इसमें क्या आप लिखवाना चाहते हैं लिखित में? लिखित में आप बताइए। हम जो लिखित में ये लिखवाना चाहते हैं कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट MSP पे जो होती है वो पूरी लागू हो और MSP पर सुनिश्चित खरीद हो। आपको MSP का खतरा है कि MSP नहीं मिलेगी, लेकिन सरकार कह रही है कि MSP मिलेगी। MSP कैसे मिलेगी जब कुछ मिल ही ना रहे अभी? हाँ। जो बोल रहे थे इन्होंने, अभी तक वो भी नहीं हुआ। अच्छा, दूसरी बात, जैसे कानून पास कर रहे हैं लिखित में, इसी तरह से लिखित में उसे पास करते हैं। हमारे जो दो बात है, किसान कह रहे हैं कि MSP तो MSP की गारंटी हो, लिखित में उनको दिया जाए, उसके बाद ही ये आंदोलन समाप्त होगा, लिहाजा जारी आंदोलन। अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर की तस्वीर आप देख रहे हैं, बुराड़ी, और किस तरीके से लंगर लगाकर वहीं पर डटे हुए हैं किसान। मांग यही कि दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंचना है और केंद्र सरकार के खिलाफ करनी है नारेबाजी, प्रदर्शन, क्योंकि किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जो कानून है कृषि को लेकर, जो 3 कानून पास किए गए हैं, उनसे उन्हें MSP को लेकर संशय है। इस सबके बीच सरकार लगातार ये कह रही है कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके फायदे के लिए कानून बनाया गया है। इस सबके बीच तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हम सीधे रुक कर लेते हैं बुराड़ी निरंकारी स्टेडियम से। हमारी सहयोगी प्रियंका कांडपाल है, आनंद तिवारी सिंघू बॉर्डर पर मौजूद है। सबसे पहले प्रियंका, आपके पास आते हुए तकरीबन 400 के करीब किसान वहां पहुंच चुके, जावेद की रिपोर्ट हमने देखी, अभी वहां पर क्या तस्वीर, क्योंकि दावा यह कि अभी और किसानों की संख्या बढ़ेगी वहां पर। जी बिल्कुल, आपको तस्वीरें दिखाऊं कि जो संख्या हम बॉर्डर्स पर देख रहे थे लगातार 2 दिनों से, वो संख्या यहाँ नजर नहीं आ रही है। एक तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, जहाँ पर किसान जो है ये महाराष्ट्र से आए हुए किसान हैं जो यहाँ पर फिलहाल बैठ गए हैं। पंजाब से आए किसानों का इनको यहाँ पर समर्थन मिल रहा है, तो ये 2 तस्वीरें हैं। इसके साथ आप देखेंगे कि अलग अलग ग्रुप्स में जो किसान हैं वो कहीं कहीं नजर आ रहे हैं। एक नज़र इनके पूरे जो जिन ट्रैक्टर्स पर ये बैठ कर आए हैं, ये सारे ट्रैक्टर्स यहाँ पर खड़े हैं। हालांकि ये जो किसान हैं ये किसी भी एक बॉर्डर से पूरे नहीं आए हैं, कुछ लोग वहीं रह गए। जैसे कुछ किसान जो थे वो कल टिकरी बॉर्डर से निकले, लेकिन सारे यहाँ नहीं पहुँचे हुए हैं, और अभी भी जो कई किसान हैं वो अपनी मांग पर डटे हुए हैं। यहाँ देखिए तैयारियाँ पूरी हैं, सिलेंडर, खाने का इंतज़ाम पूरा है। इन्होंने बताया कि ये रसद का सामान लेकर आए हैं, कि कितने दिन रहना पड़ेगा इसका अंदाज़ा नहीं है, इसलिए अपना सामान सारा तैयार करके आए हैं, खाने पीने के इंतजाम को कर आए हैं। यहाँ भी आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ से आए हैं आप?
फरीदपुर से, फरीदकोट जिले से, फरीदकोट से आए हैं। तो यहाँ आपका आगे क्या करेंगे, आप यहीं रहेंगे? हाँ अभी लम्बा धरना चलेगा, जिन्हें हमारा जिन्हें इतने एडिशन नहीं होते उन्हें लम्बा धरना चलेगा। तो अभी लम्बा धरना चलेगा कह रहे हैं, आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आए, समर्थन देने आए हैं या आंदोलन में? बिल्कुल। अच्छा तो क्या लग, ये असल में तो लोगों को पता ही नहीं है क्या, जिस मार्केट पे कंट्रोल आड़ती खत्म, एमएसपी खत्म, उसको तो मजबूर हो जाएगा, उसका तो जो आज जो धान 2000 रुपए है वो 200 रुपए भी नहीं बिकेंगे, बिल्कुल ही ओपन हो जाएगा। फिर उसे मजबूरी में कर्जा लेना पड़ेगा, अपनी जमीनें गिरवी रखनी पड़ेंगी, इससे तो अच्छा रस्सा लेके गला ही दबा दो। तो ये आप किसानों को सुन रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि इस कानून के बाद उनके लिए कुछ नहीं बचेगा। लेकिन एक और तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ जहाँ किसान बैठे हुए हैं यहाँ पर प्याज भी खोल कर रखी हुई है, शायद तैयारी है आगे के दिन की। तो यहाँ पर आप देखिए कि पंजाब से जो किसान, सारे पंजाब से आए हैं। तो अब आगे का क्या प्लान है, अभी यहीं रहना है, कैसे क्या करना है? ये 3 तारीख को बाद पता लगेगा, कोई समझौता होता तो ये क्या बात होती है 3 तारीख के बाद। तो 3 तारीख तक यही रहना है? 3 तारीख तो ये प्याज दिख रहा है, 6 महीने के लिए या राशन जब तक साढ़े हमारी मांगे नहीं मानी जाती उतना टाइम यहीं रहेंगे। अच्छा तो ये बताइए, कुछ लोग तो आ गए, कुछ तो अभी भी बॉर्डर में है, क्या चल रहा है? चल रहे बॉर्डर में, सब आ जाएंगे, पंजाब में भी तैयारी कर रहे हैं, जो लोग रह गए वो शिफ्ट में आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। अच्छा तो यहाँ पर और भी किसान हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर जी कुछ तो आ गए यहाँ पर, कुछ अभी भी टिकरी बॉर्डर पे भी है, सिंघू बॉर्डर पे भी है, तो क्या आगे का कैसे प्लान, क्या चल रहा है? सभी किसान जहाँ पर आएंगे, जो किसान वहाँ रुके हुए हैं, वो किसानों में ये गुस्सा है, जाती हुई है किसानों के साथ, वहाँ पानी डाला गया, उन पर गैस उड़ी गई, उस पर लाठी चलाई गई, वहाँ गुस्से में वहाँ बैठे हैं, भी हम नहीं जाना। अच्छा। हमारी लीडरशिप है, वहाँ चली गई, बात करके वहाँ उड़े आएंगे। अच्छा तो ये जो किसान यहाँ पर, ये साफ कह रहे हैं कि जो अभी बाकी बॉर्डर में टिके हुए किसान है वो नाराज है कि कैसे उन पर वाटर कैनन और टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया, पर ये कह रहे हैं लीडरशिप मना रही है और सारे किसान यहीं आएंगे और अपनी मांगे यहीं से मनवाएंगे। जी चलिए देखते हैं कितनी देर में फैसला होता है, उसके लिए आनंद के पास चलेंगे। लेकिन इस बीच बता दें कि इस वक्त पंजाब से आए किसान दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर और सिंघू बॉर्डर पर धरने पर बैठे हुए हैं। किसानों को बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड तक जाने की इजाजत दी गई है, लेकिन किसान रामलीला मैदान जाना चाहते हैं। और बताया जा रहा है कि अभी किसान नेताओं की पुलिस प्रशासन से चल रही है बातचीत, इसके बाद ही किसान अंतिम फैसला लेंगे। किसान नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं प्रोटेस्टर से बात करके कि वो शांति बनाए रखें, और उनको हमने फैसिलिटेशंस की सारी ऑफर्स दी हैं, चाय वगैरह हम उनको वहीं स्पॉट पे भिजवा रहे हैं, और भी जो इनको गंतव्य स्थान इनके लिए निश्चित किया है सरकार ने, उस स्थान पे जाने के लिए भी इनको मैसेज दिया है कि हम फैसिलिटेट करेंगे जब ये तैयार होंगे, और शांति व्यवस्था कानून की व्यवस्था यहाँ कायम है। हमारे सीनियर लेवल पर भी इनसे वार्ता हो रही है, और ये भी पता चला है कि इनके जो लीडर्स हैं वो भी अपनी मीटिंग कर रहे हैं, और हमने भी इनको संदेश भिजवाया है कि जो स्थान सरकार ने निश्चित किया है वहाँ पे ले जाने के लिए इनको हर प्रकार की फैसिलिटेशन दी जाएगी। 30-35 जथेबंदियाँ जितनी भी हैं पंजाब की, हरियाणा की या देश की, सबकी सहमति से आगे बढ़ाया जाएगा, कोई एक जथेबंदी की सलाह से नहीं आगे बढ़ पाएंगे। हम इसी जगह बैठेंगे, इसी जगह रुकेंगे, चाहे 10 दिन बैठना पड़ जाए, चाहे 1 साल बैठना पड़ जाए, हमारी जथेबंदियाँ जो सलाह बनेगी सबकी साथ चलेंगे। तो यहीं पर डटे रहेंगे और रामलीला मैदान ही जाने की जिद पर किसान अड़े हुए हैं। आनंद तिवारी सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ हैं। आनंद, दिल्ली पुलिस की किसान नेताओं के साथ बातचीत चल रही है, इस तरह की जानकारी, फैसला कब तक, निरंकारी ग्राउंड जाएंगे या फिर नहीं? जी देखिए गायत्री, अभी हमने कुछ देर पहले ही जो ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस है सुरेंद्र सिंह यादव, उनसे सिंधु बॉर्डर पर इसी जगह पर यहाँ पर बात करी थी, और उन्होंने यहाँ पर साफ कहा है कि हल जरूर निकलेगा, लगातार कोशिशें की जा रही हैं, जो किसान हैं और जो उनके प्रतिनिधि हैं उनसे लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि बुराड़ी में जो निरंकारी ग्राउंड है जो ऑथराइज किया है सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने, वहां पर जाके तमाम प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करें। मेरे कैमरा मैन नकुल आपको दिखाएंगे किस तरह के अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। बॉर्डर जो BSF के जवान हैं उनकी यहाँ पर टुकड़ियाँ बुलाई गई हैं, इसके अलावा दिल्ली पुलिस तमाम यहाँ पर मुस्तैद है, तमाम सीनियर अधिकारी यहाँ पर मुस्तैद हैं, बैरिकेटिंग यहाँ पर की गई है, पुलिस के वाहन हैं यहाँ पर, वज्र वाहन हैं यहाँ पर, और तमाम इंतजामों के साथ जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर मौजूद है कि जो कानून व्यवस्था है वो किसी तरह से ख़राब ना हो। और ये जो
आप देख रहे हैं यहाँ पर पुलिस की बैरिकेडिंग, इससे कल बिल्कुल यहीं पर प्रदर्शनकारी पहुँच गए थे, लेकिन आज प्रदर्शनकारी और थोड़ा पीछे चले गए और उन्होंने अपनी बैरिकेडिंग और अपने तार लगा के वो वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार दिल्ली पुलिस कोशिश कर रही है कि तमाम प्रदर्शनकारी जो हैं वो बुराड़ी निरंकारी ग्राउंड जाएं और वहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें, लेकिन यहाँ पर सिंधु बॉर्डर पर अभी हालात जस के तस हैं। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर की अभी जो सिचुएशन है वो ख़राब नहीं हुई है, जिस तरह से कल हमने देखा था कि लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़ने की नौबत आ गई थी, लेकिन यहाँ पर अभी लगातार शांतिपूर्ण तरीके से जो तमाम किसान हैं वो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर आरएएफ की जो टुकड़ियाँ हैं उन्हें भी यहाँ पर अलर्ट पर रखा गया है, लाउड स्पीकर यहाँ पर रखा गया है कि अगर कोई वार्तालाप करना है तो लगातार पुलिस अपनी तरफ से तमाम वो कोशिशें कर रही है कि तमाम प्रदर्शनकारी जो हैं वो बुराड़ी जाएँ। जो दिल्ली के कमिश्नर हैं एस एन श्रीवास्तव वो खुद कल सड़कों पर थे और तमाम बॉर्डर्स का उन्होंने जायजा लिया और आज भी वो तमाम जगहों पर देखेंगे कि लॉ किस तरह की दिल्ली में बनी हुई है, क्योंकि जो अनुमान लगाया जा रहा है कि करीबन 15 से 20 हज़ार किसान दिल्ली में अलग अलग जगहों से पहुंच सकते हैं, चाहे बात की जाए उत्तर प्रदेश की, हरियाणा की, पंजाब या राजस्थान की। अभी जो हालात है वो अंडर कंट्रोल है, लेकिन अगर 15 से 20 हज़ार किसान वहां पहुंचते हैं तो फिर किस तरीके की स्थिति होगी, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इस बीच बता दें कि कुछ किसान संगठन दिल्ली के बुराड़ी मैदान तक पहुंच चुके हैं, लंबी दूरी तय करने के बाद दिल्ली पहुंचे किसान फिलहाल जश्न मना रहे हैं और दावा ये कर रहे हैं कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी वो पीछे नहीं हटेंगे। तमाम किसान यहाँ कल से आ गए हैं और फिलहाल ये तमाम लोग जो हैं जो इनके पारंपरिक जो लेकर ये तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, घेरा बनाए हुए हैं और ऐसे में देखिए आप विरोध भी प्रदर्शन कर रहे हैं। कहाँ से आए हो? महाराष्ट्र से। ये क्या हो रहा है? बुराड़ी निरंकारी ग्राउंड पर इजाजत मिलने को एक जीत के तौर पर किसान जो बुराड़ी पहुंचे हुए हैं वो देख रहे हैं, लेकिन रास्ता कब, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। प्रियंका लगातार बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में बनी हुई है हमारे साथ। प्रियंका, जश्न की तस्वीरें, यानी लगता है कि कुछ नाराजगी बुराड़ी में निरंकारी ग्राउंड में मौजूद किसानों की कम सकारात्मकता, लेकिन जो बॉर्डर पर डटे हुए किसान जिनकी मांगे कि रामलीला मैदान ही जाना है, आप वहां तो मानने को तैयार नहीं है, फिर किस तरीके से देखें? जी बिल्कुल, जो किसान यहाँ पर आ गए हैं वो इस बात की क्या को जीत कह रहे हैं कि दिल्ली एंटर ही नहीं करने दिया जा रहा था दो दिन से और वो फाइनली दिल्ली की ज़मीन पर है। अब इनका ये कहना है कि जो आंदोलन है वो यहीं से आगे बढ़ेगा। ऐसे में जो इनके साथ ही अलग अलग बॉर्डर्स पे हैं वो अपनी अलग मांगों को लेकर वहाँ पर हैं कि वो रामलीला मैदान ही जाना चाहते हैं, पर मेजर जो चंक है वो यहाँ पर आ रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं गुरदासपुर से, पंजाब से। गुरदासपुर से आए हैं, तो ये बताइए यहाँ पर आप लोग जो आए हैं अब किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे अपने आंदोलन को, क्या करेंगे? आंदोलन तो जी ये जथोबंदियों के ऊपर है, जो मीटिंग चल रही है, जैसे जो भी आदेश आएगा उसी के हिसाब से चलेंगे। तो आप अपनी तैयारियों के साथ आए हैं, कितने भी बिल्कुल तैयारी के साथ आए हैं जी। हमारे पास 6-6 महीने का राशन है, और भी जरूरत पड़ेगी तो मंगाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आप लोग तो यहाँ पर है लेकिन कई अभी किसान हैं जो बॉर्डर पे अड़े हुए हैं, टिकरी बॉर्डर पे भी हैं, सिंघू बॉर्डर पे, तो क्या क्या तालमेल नहीं बन पा रहा है, वो क्यों नहीं आ पा रहे? नहीं, तालमेल बन रहा है, हम सब एक ही बात जो जथेबंदी
जिम्मेदारी रखती है वही है, लेकिन आपको कुछ गलत बताया जा रहा है कि प्रशासन जो है उनको आने दे रहा है, लेकिन नहीं, ये गलत बात है। प्रशासन ने रोक के रखा है, हमारी 40-50 ट्रालियां जो पीछे रुकी हुई है ठिकरी बॉर्डर में, अभी पास कराए बॉर्डर तोड़ के, 20-25 ट्राली आगे लगा दिया तो उसने फिर लगा दिया। अच्छा, तो यहाँ जो किसान है वो कह रहे हैं कि वो आना चाहते हैं लेकिन प्रशासन उनको आने नहीं दे रहा, जैसे कि टिकरी बॉर्डर से ये लोग आए हैं, तो टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें भी अभी दर्शकों ने देखी कि वहां पर भी किसान है, ये कह रहे हैं कि हर तरफ से जो किसान है 40-50 ट्रॉली में, जैसे ये बता रहे हैं, इनके साथ उन्होंने आना था पर प्रशासन ने उन्हें रोक दिया, और इनका कहना है कि किसी भी तरीके की कोई गुटबाजी नहीं है किसान आंदोलन में। जो किसान नेता है उनसे दिल्ली पुलिस बात कर रही है, और जब वो ये आश्वस्त कर देंगे कि हाँ वो बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में ही प्रदर्शन करेंगे, मुझे लगता है कि तब उनको वहां से आने की इजाजत दी जाएगी। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। इस बीच बता दें कि राजस्थान के श्री गंगानगर से भी 5000 किसानों ने दिल्ली की तरफ रुख कर लिया है, और जल्द ही सभी 5000 किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों के साथ प्रदर्शन में होंगे शामिल। तो ये तस्वीरें राजस्थान के श्री गंगानगर से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किसानों की तरफ से और बताया जा रहा है कि तकरीबन 5000 के करीब ये किसान हैं जो कि दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों के साथ प्रदर्शन में शामिल होंगे, और उन्होंने दिल्ली की तरफ बढ़ा दिए कदम। आनंद हमारे सहयोगी लगातार बने हुए, आनंद अब क्या अपडेट, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि अब राजस्थान से श्रीगंगानगर से भी तकरीबन 5000 की संख्या में किसान दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं। जी देखिए गायत्री, पहले ही दिल्ली पुलिस की जो LIU है, जो स्पेशल ब्रांच जिसे बोलते हैं, उसने अनुमान लगाया था और उसका अनुमान सही साबित हुआ है कि राजस्थान से भी जो तमाम किसान हैं वो धोलाकुआं और दूसरे रास्तों से दिल्ली में आ सकते हैं, और उसको लेके लगातार जो फोर्स है वो तमाम बॉर्डर्स पर तैनात की गई है। जो राकेश टिकैत है उनके नेतृत्व में सहारनपुर और मेरठ होते हुए जो किसान है वो गाजीपुर या अप्सरा या गाजियाबाद के पास है में पहुंच सकते हैं, तो वहां के उस रेंज के जो तमाम अधिकारी, उनका कहना है कि पहले उन किसान नेताओं से बातचीत की जाएगी और उसके बाद तय किया जाएगा कि उन्हें आगे बुराड़ी जाने दिया जाना है या नहीं। लेकिन जिस तरह से लगातार सिंधु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर जो किसान है वो डटे हुए हैं, और अगर हम आपको यहाँ की तस्वीर दिखाएँ तो यहाँ पर थोड़े जो सूरत है वो थोड़ी बदली नज़र आ रही, क्योंकि कल बिल्कुल जहाँ पर हम खड़े हुए हैं इसी बिल्कुल यहीं पर कल तमाम जो किसान हैं वो पहुंच गए थे, और हालात कल काफ़ी बिगड़ भी गए थे। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ी थी और आंसू गैस के गोले छोड़ना पड़े थे, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ता, लेकिन आज थोड़े सूरत बदली हुई है और आप देख सकते हैं किसान करीबन 200-300 मीटर दूर जाके उन्होंने वहाँ पर अपनी बैरिकेडिंग करी है, अपने तार लगाए हैं और वो वहीं से शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर इस तरफ की हम आपको तस्वीरें दिखाएं मेरे कैमरा से नकुल, तो यहाँ पर पुलिस के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं, यहाँ पर तमाम पैरामिलिट्री फोर्स को यहाँ पर तैनात किया गया है, BSF को यहाँ पर तैनात किया गया है, और दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है कि कोई भी कोताही, कोई भी चूक ना हो, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो किसी तरह से ख़राब ना हो, कानून हाथ में कोई शख्स ना ले। लगातार जो सीनियर अधिकारी हैं वो किसान नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, बीच का हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से बाकी किसान जो हैं वो बुराड़ी निरंकारी ग्राउंड पहुंच गए हैं, तो सिंधु बॉर्डर पर जो किसान हैं वो भी शांतिपूर्ण तरीके से सिंधु बॉर्डर से बुराड़ी निरंकारी ग्राउंड जाएं। कल पुलिस ने उनके लिए यहाँ पर बाकायदा गाड़ियों के इंतजाम करते, लेकिन हल नहीं निकला, बातचीत सार्थक नहीं रही, और आज फिर आज दूसरे राउंड की जो बातचीत है वो दिल्ली पुलिस कर रही है। पुलिस का कहना है तमाम जो अधिकारी हैं अभी ज्वाइंट CP जो हैं SS यादव, उन्होंने News 18 कहना है कि हल जरूर निकलेगा, हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो किसान है वो शांतिपूर्ण तरीके से बुराड़ी जाए और वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन करें। ये बात कहते हुए दिल्ली पुलिस की तरफ से भी ये कहा जा रहा है, और वहां जो निरंकारी ग्राउंड में किसान डटे हुए हैं उनका भी सकारात्मक रुख है, वो भी ये कह रहे हैं कि निरंकारी ग्राउंड आना चाहते हैं और मना लिया जाएगा, जैसे कि प्रियंका बात कर रही थी किसानों से। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि यूपी सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने किसानों से केंद्र सरकार के साथ 3 दिसंबर को होने वाली बातचीत का इंतजार करने की अपील की है, और साथ ही कांग्रेस पर किसानों को MSP के मुद्दे पर गुमराह करने का आरोप भी लगाया। कृषि मंत्री जी उनसे बात करने के लिए आश्वासन दे चुके हैं, तो उस बात का लोगों को इंतजार करना चाहिए। उसके पहले कानून व्यवस्था को अपने हाथों में लेने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए, और हम समझते हैं कि जिस तरीके से जनाकांक्षाओं के अनुरूप सरकार काम कर रही है, यदि कहीं कोई किसानों को विधिक अड़चन है तो उसको भी सरकार बैठ करके मिलजुल करके बात करके आपस में सुलझाएगी।
और इस बीच पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से किसानों का एक और जत्था दिल्ली के लिए हो चुका है रवाना। किसान अपने साथ ट्रैक्टर ट्रॉली में खाने पीने का सामान भी साथ लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। किसानों का दावा है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है वो दिल्ली में ही डटे रहेंगे। आनंद हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन सबसे पहले हम प्रियंका के पास चलेंगे। प्रियंका, अब एक और जत्था कहा जा रहा है कि पंजाब के फतेहगढ़ से रवाना हो चुका है और मांग यही है कि जब तक मांग नहीं मानी जाती तब तक दिल्ली में ही डटे रहेंगे। अभी थोड़ी देर पहले आप तमाम किसानों से बात कर रही थी, सकारात्मक रुख उनका लग रहा था, जरा कोशिश कीजिए उनसे बातचीत करने की कि अगर जो बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं, जो रामलीला मैदान जाना चाहते हैं, अगर उनसे वो किस तरीके से अपील करेंगे कि निरंकारी ग्राउंड में आकर वो प्रदर्शन कर लें, या उनकी मांग को जायज मानते हैं वो? जी बिल्कुल, यहाँ पर आप देखिए कि कई जी बिल्कुल बिल्कुल ये यहाँ पर जो तमाम किसान हैं इन्हीं से यहाँ पर बात कर लेते हैं। ये पंजाब से आए हुए हैं आप सब? पंजाब से आए हुए हैं, तो ये बताइए कि अभी तो एक और दल जो है वो निकल गया है पंजाब से, और किसान आ रहे हैं, और यहाँ आप लोग कुछ हैं, कुछ बॉर्डर पर ही हैं, जो बॉर्डर पर है उनको क्या कहेंगे, यहाँ आए आप लोगों के साथ ज्वाइन करें? हाँ, जो हमारा जो 30 किसान संगठनों का फैसला वो यही है कि वो यहाँ बुरगाड़ी ग्राउंड में इकट्ठे हों, उसके बाद जो 30 किसान नेतागण हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के, जो वो डिसीजन लेंगे इन फ्यूचर उसके अकॉर्डिंग ही जो है संघर्ष किया जाएगा। जी, अभी और भी आ रहे हैं पंजाब से? आ रहे हैं पंजाब से, आ रहे हैं, पर गवर्नमेंट दिक्कत बहुत पा रही है। बारिशा पाई करी जाती है, लाठीचार्ज करी जाती है, किसान इस अत्याचार तो मतलब उत्थे ही बह गया। तो अभी क्या अपील करेंगे जो अलग अलग बॉर्डर पे हैं, जिनको कह रहे हैं, जो भी सारे बॉर्डर पे टिके हैं, उनको आप ये कहना चाहेंगे कि वो इधर आए और आप लोगों को यहाँ ज्वाइन? ऑटोमेटिक आ जाने, जो सरकार अत्याचार ना करे। हाँ। सरकार तो दूजे पास तुरी जाती है, सरकार का फर्ज बनता उन्होंने सपोर्ट देके सुरक्षा पहुंचाउण। तो ये यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वो खुद ही आ जाएंगे अगर सरकार उनको आने का रास्ता देगी, और ऐसे में तमाम ये कह रहे हैं कि 30 जो किसान संगठन है उनकी जो राय है, उनके जो नेता है, जो डिसीजन वो लेंगे उसी को यहाँ पर फॉलो किया जाएगा, और ये कह रहे हैं कि तमाम लोग यही निरंकारी ग्राउंड में जुड़ेंगे, निरंकारी ग्राउंड में आए और फिर यहाँ से आगे की रणनीति तय की जाए, मोटा मोटा ये समझ में आ रहा। प्रियंका लौटेंगे आपके पास, बता दें कि केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला करते हुए किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार को किसानों की चिंता है और नए कानूनों से उनके हितों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा और देश के अन्नदाता मोदी सरकार की पहली प्राथमिकता है। सुनिए क्या कहा। मोदी जी की सरकार किसानों के सम्मान के लिए, किसानों की समृद्धि के लिए, किसानों के स्वाभिमान के लिए प्रतिबद्ध थी, प्रतिबद्ध है और प्रतिबद्ध रहेगी। अब कुछ गुमराही गैंग है जो जरूर गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उन्हें देखना चाहिए कि मोदी जी जब से आए हैं इन 6 सालों में बजट कितना था, जो कांग्रेस के लोग बड़े बड़े डिंग मार रहे हैं, 12,000 करोड़, अब कितना है, 34,000 करोड़, 34,000 करोड़ से भी ज़्यादा। जो लोग डिंग मार रहे हैं उनसे पूछना चाहिए कि भैया ये मोदी जी के आने के बाद ही क्यों जो है एमएसपी के दाम एकदम से एमएसपी के रेट इतने बढ़ गए। पंजाब से भी रोहतक होते हुए किसानों का एक और जत्था दिल्ली आ रहा है। इन किसानों के साथ महिलाएं भी हैं जो पूरे जत्थे के लिए रास्ते में खाना बना रही हैं। किसानों का दावा है कि जब तक नए कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता तब तक उनका आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। 3 कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए किसानों ने अपना मोर्चा संभाल रखा है और पंजाब से किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं, और फिलहाल हम रोहतक में हैं, तो रोहतक का अगर हम नज़ारा देखें, ये देखिए ये किसान जो है ये दिल्ली कूच के लिए निकले हुए हैं। फिलहाल इन्होंने रोहतक में अगर हम बात करें तो यहाँ पर अपना खाना खाने में जुटे हुए हैं, व्यस्त हैं। इधर आप देखें खान पूरी तैयारी के साथ ये निकले हैं, सिलेंडर है और इसके अलावा खाना बनाया जा रहा है, किसान खाना खाने में जुटे हुए हैं और हर तैयारी इनकी है। और यहाँ तक कि किसानों का ये कहना है कि 6 महीने का राशन वो लेकर निकले हैं, और उसके हालात भी बिल्कुल अगर हम देखें तो ऐसा ही लग रहा है कि 6 महीने का राशन, ये देखिए पूरा ट्रैक्टर जो है, लकड़ियाँ इसमें पूरी तरीके से भरी हुई हैं, क्योंकि लकड़ियों की भी ज़रूरत पड़ती है राशन बनाने में, पानी का टैंकर साथ है, और यहाँ पर महिलाएं जो हैं वो इन लोगों के लिए रोटियां बनाने में जुटी हुई हैं।
तो रोहतक होते हुए भी किसानों का एक जत्था रवाना हो चुका है दिल्ली के लिए। हमारे सहयोगी लगातार बॉर्डर से सिंघू बॉर्डर से आनंद तिवारी बने हुए। आनंद, गंभीर सवाल यही है क्योंकि अभी तो सिंघू बॉर्डर जहां पर बातचीत चल रही है वहीं पर रास्ता नहीं निकला है और अब अलग अलग जगहों से उत्तर प्रदेश से राजस्थान से पंजाब से हरियाणा से भी अब जत्थे रवाना हो रहे हैं किसानों के। जब ये संख्या वहां पर पहुंचेगी दिल्ली बॉर्डर पर तो किस तरीके की स्थिति बनेगी और उसे कितनी बड़ी चुनौती दिल्ली पुलिस के लिए माना जाए? जी देखिए गायत्री, दिल्ली पुलिस लगातार अपनी मीटिंग्स भी कर रही है और अपनी तैयारियों पे दिल्ली पुलिस पूरी तरह से सतर्क और अलर्ट है, क्योंकि जिस तरह से जानकारी मिली है कि ना केवल हरियाणा पंजाब से तो किसान दिल्ली पहुंच ही रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए मेरठ सहारनपुर की या राजस्थान की, वहां से भी अगर भारी तादाद में जो किसान हैं वो अगर दिल्ली पहुँच रहे हैं तो उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। ऐसा कोई बॉर्डर नहीं है दिल्ली का जहां पर कि पुलिस फोर्स तैनात नहीं की गई है, पैरामिलिट्री फोर्स तैनात नहीं की गई है। तमाम सीनियर अधिकारी हर बॉर्डर पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं और उसका सीधा सीधा मकसद ये है कि जो भी किसान दिल्ली में आएंगे उन्हें समझाया जाएगा और उन्हें बोला जाएगा कि आपको हम फैसिलिटेट करके या आप खुद सीधे बुराड़ी निरंकारी ग्राउंड जाइए, कोई और दूसरी जगह प्रदर्शन करने की अनुमति दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं दी गई है। लेकिन चुनौती यही है कि क्या तमाम प्रदर्शनकारी बुराड़ी पहुंचेंगे, क्योंकि जिस तरह से टीकरी बॉर्डर पर भी कुछ प्रदर्शनकारी ही कल बुराड़ी पहुंच पाए थे और सिंधु बॉर्डर पर तो हटने का नाम प्रदर्शनकारी नहीं ले रहे हैं। जो भी किसान हैं वो अपनी मांगों पर डटे हुए और उनका कहना है कि वो बुराड़ी ग्राउंड पर नहीं जाएंगे तक जाना है। तो कोशिशें कोई एक संगठन नहीं है, तमाम अलग अलग संगठनों के किसान नेता जो हैं वो अपने अपने ग्रुप से बात कर रहे हैं और उन तमाम लोगों की 9 बजे एक बड़ी मीटिंग भी हुई थी। तमाम जो किसान लोग थे जहाँ जहाँ इकट्ठा हुए थे वहीं पर उन्होंने मीटिंग करी थी। देखना है कि उनका क्या निष्कर्ष निकला इस मीटिंग का और आगे क्या रणनीति पे वो लोग काम कर रहे हैं। उसी तरह से पुलिस भी अपनी आगे की रणनीति बनाएगी कि जो कानून व्यवस्था है पूरी तरह से खराब ना हो और कोई भी ऐसी सिचुएशन ना आए जिसको हैंडल करना काफ़ी दिक्कतों में सामना करना पड़े, क्योंकि कल यहाँ पर स्थिति काफ़ी शांतिपूर्ण फोर्स यहाँ पर खड़ी हुई है और प्रदर्शनकारी उस तरफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कल यहाँ पर जमकर यहाँ पर नौबत आ गई थी, यहाँ पर पथा जो है वो लाठीचार्ज करना पड़ा था और यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े गए थे, लेकिन आज स्थिति बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर नजर आ रही है। वहाँ पर प्रदर्शनकारी जो है वो अपना शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कोशिश यही है कि तमाम प्रदर्शनकारी जो हैं वो बुराड़ी निरंकारी ग्राउंड जाएं और वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें, लेकिन ये हल कब तक निकलेगा ये देखना होगा, क्योंकि लगातार बातचीत का जो दौर है वो लगातार जारी है। किसान नेताओं से लगातार जो है वो पुलिस बातचीत कर बिल्कुल आनंद लौटते रहेंगे आपके पास। तो लगातार अलग अलग जगहों से किसानों के जत्थे रवाना हो रहे, किसान बड़ी संख्या में रवाना हो रहे, लेकिन इस सबके बीच सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस के साथ किसान नेताओं की चल रही है बातचीत। आतंकी वोट के जरिए होगी चोट और इसी के लिए आपको बता दें डीडीसी के इलेक्शंस हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, 43 सीटों पर यह चुनाव हो रहा है। पहली बार डीडीसी यानी जिला विकास परिषद का शांतिपूर्ण चुनाव चल रहा है। 8 चरणों में चुनाव होगा। 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है, 2 बजे तक वोटिंग होनी है और लगभग यानी कि अब कई घंटे बीत चुके हैं, तस्वीरें आना शुरू हो गई है और देखिए जबरदस्त भीड़ इस वक्त मतदाताओं की नजर आ रही है। चुनाव का आज पहला चरण है जिसके लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। हम आपको बारामूला, बांदीपोरा, अम्बरन, बडगाम, राजौरी, उधमपुर, श्रीनगर, पुंछ, अनंतनाग और अखनूर की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां सुबह से लोग मतदान केंद्रों पर वोट करने के लिए पहुंचे और इस दौरान वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये तस्वीरें गवाही है कि किस तरह से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जनता घर से बाहर निकली है। जबरदस्त ठंड है, हमारे सहयोगी वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं जो बता रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके वहां मतदाताओं की जबरदस्त भीड़ नजर आ रही है। 5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और इस वक्त ये तस्वीरें और ज्यादा हो सकती है, मतदाताओं की भीड़ इस बात की गवाही देती हुई नजर आ रही है। बारामूला, बांदीपोरा, अम्बरन, बडगाम, राजौरी, उधमपुर, श्रीनगर, पुंछ, अनंतनाग और अखनूर की तस्वीरें। तो एक बार फिर से आपको बता दें 8 चरणों में ये वोटिंग
हो रही है और पहला जो फेज है वो 43 सीटों पर ये वोटिंग हो रही है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहला बड़ा चुनाव है। जम्मू के 10 जिलों में परिषद का गठन होना है, कश्मीर के 10 जिलों में परिषद का ये गठन होगा और जम्मू कश्मीर के कुल 20 जिलों में चुनाव है। और इसी के तहत आपको बता दें हमारे साथ हमारे तीन सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त। हमारे साथ बडगांव से रिफत जुड़े हुए हैं, साथ ही श्रीनगर से अनुराग ढांडा जुड़े हुए हैं और अखनूर से पवन जुड़े हुए हैं। रिफत, सबसे पहले बताइए, बहुत जबरदस्त तस्वीरें आप लोग दिखा रहे हैं, मतदाताओं की कतार लगी है बूथों पर, अभी बताइए क्या स्थिति है? देखिए लगातार जो है वोटिंग हो रही है, जिस तरीके से आपको मालूम है कि हालांकि बहुत ज़्यादा ठंड थी लेकिन 7 बजे यहाँ पे पोलिंग शुरू हुई और अभी भी लगातार मॉडरेट ब्रिस्क पोलिंग हो रही है। और जिस एरिया में मैं हूँ काफ़ी सारे पोलिंग बूथ्स पे हम गए और बहुत ज़्यादा तादाद में लोग थे जो अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी भी हालांकि 2 बजे तक वोटिंग होगी लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जैसा मैंने पहले भी कहा कि एक तो डेवलपमेंट एक चुनावी मुद्दा ज़रूर है लेकिन साथ ही 370 और 35 ए पे लगातार राजनीति हो रही है। जिस तरीके से मैंने कहा कि गुपकार डिक्लेरेशन के लोग हैं वो लोगों को ये कह रहे हैं कि वो उन्हें वोट दें और 370 या 35 ए वो वापस लाएंगे लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि अब 35 ए और 370 जो है वापस कभी नहीं आएगा। लेकिन कॉन्टेस्ट बड़ा देखने वाला होगा कि इस बार किसकी जीत होगी। हालांकि ये कहा जा सकता है कि इट्स बीजेपी वर्सेज ऑल द पार्टीज इंक्लूडिंग कांग्रेस और उसमें गुपकार डिक्लेरेशन में जो है फॉर्मर 3 चीफ मिनिस्टर भी हैं, तो ये देखना होगा कि कैसा रहेगा कॉन्टेस्ट। लेकिन पोलिंग ब्रिस्क हो रही है, मैक्सिमम जगहों पर हमने देखा कि लंबी लंबी कतारों में लोग हैं और जिस जगह हम हैं यहां पे भी तकरीबन 40% जो है वोट कास्ट किए गए हैं, तो यह कहा जा सकता है कि तकरीबन कुछ जगहों पे 50% भी क्रॉस हो जाएगा, जो यह कहा जा सकता है कि अच्छा परसेंटेज है। सर्दी के बावजूद हमने देखा कि बर्फबारी जहां पे हुई है बहुत ज्यादा, चाहे कुपवाड़ा का डिस्ट्रिक्ट हो या रफियाबाद के एक्सट्रीम जो कॉर्नर्स हैं वहां पर हमने देखा बहुत ज्यादा बर्फ है, उसके बावजूद भी लोग निकले, बुजुर्ग निकले, बच्चे, ये जो है औरतें निकली और उन्होंने वोट कास्ट किया, जो यह कहा जा सकता है कि कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा उससे बढ़ गया। जी, और हम सीधे श्रीनगर का रुख कर लेते हैं, अनुराग ढांडा हमारे साथ जुड़े हैं। अनुराग, 5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, जरा बताइए कि मतदान की गति क्या है और अनुच्छेद 370 को लेकर लोगों की भावनाएं क्या है इस बार के चुनाव में, क्या लोकल मुद्दे उनके लिए ज्यादा प्रायोरिटी पर है या फिर ये मुद्दा जो कि गुपकार मोर्चा लगातार लोगों के जहन में डालने की कवायद कर रहा है? देखिए यहाँ जहाँ जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर तो हरवन में ज़बरदस्त वोटिंग हो रही है। यहाँ पर 8 बूथ हैं इस पूरे पोलिंग स्टेशन में जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर लगातार ज़बरदस्त वोटिंग हो रही है। सुबह जो आप लंबी कतारें देख रहे थे अब आप देख सकते हैं कि वो कतारें सिमटने लगी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर वोटिंग अब कम हो गई है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक बूथ पर, दो बूथ जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं उनमें से एक बूथ पर 50% तक 50% वोटिंग हो चुकी है जितने वोट्स यहाँ पर टोटल हैं और एक बूथ पर 40% से ज़्यादा वोटिंग हो चुकी है। इसका मतलब ये कि मेजोरिटी ऑफ वोटर्स जो है वो सुबह सुबह लाइन में लगकर अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। जहां तक रही मुद्दों की बात, सीधा मुकाबला मुझे नजर आ रहा है कि आप पहले तो ये देखिए तस्वीरें कि बुजुर्गवार जो हैं महिलाएं वो भी यहां पर पहुंच रही हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए, अपने राइट का इस्तेमाल करने के लिए ये बुजुर्ग महिलाएं हैं जो अपना वोट डालने के लिए पहुंची हैं। आप लोग अपना वोट डालने के लिए मैं देख रहा हूँ बहुत जोश से सब लोग पहुंचे हैं और बुजुर्ग महिला भी पहुंची हैं। बिल्कुल सही है, मेरा नाम मोहम्मद याकूब डार है, मैं गुपकार एलियंस से हूँ। हाँ। तो आप, मैं इसीलिए जानना चाह रहा था कि क्या लोगों में जोश है, उत्साह है कि वोट डाल के अपने मुद्दे, अपना विकास जो है उसके लिए वोट डालें? बिल्कुल सर। हाँ। बिल्कुल सर, ये देखो ये तो 100 की उम्र है। हाँ, कितनी उम्र है? 100 साल की उम्र है। यस। हाँ। तो देखिए आप 100 साल की उम्र है, आपको अच्छा लगा वोट डालकर? अच्छा, वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपना वोट कास्ट किया, उनको अच्छा लगा वोट डाल करके। और मैं बताऊं आपको, 100 साल की उम्र इनकी बताई जा रही है यहाँ पर, कि लगभग 100 साल की उम्र है इनकी और वो भी यहाँ वोट कास्ट करने पहुंचे। आपके पास आ रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्स फैक्टर आपके पास जरूर आ रहा है, ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है सुबह से ही। और हमारे दोनों सहयोग भी कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल बता रहे हैं। पवन, अखनूर में क्या है खास? देखिए जम्मू का जो अखनूर इलाका है जहाँ पर जो जितने भी पोलिंग स्टेशन बने थे, मैं आपको अगर दिखा दूँ तो अब यहाँ पर पोलिंग सिमट गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा परसेंटेज वोटिंग की हुई है। क्योंकि जो पूरा कोविड के चलते जितने भी इलाके थे वहाँ पर ज़्यादा मतदान केंद्र बनाए गए थे ताकि भीड़ ना हो, और जितने भी मतदान केंद्र थे वहाँ पर 300 से लेकर 400 तक ही मतदाता जो थे वो रखे गए थे। और अभी अगर हम बात करें तो सुबह 7 बजे से लेकर अभी तक कई जगह पर 90%, कई जगह पर 80% पोलिंग
पोलिंग जो है वो हो चुकी है और एक एक दुक्का लोग ही अभी वो पहुंच रहे हैं पोलिंग के लिए। जिस बूथ के ऊपर मैं हूं यहां पर अधिकांश पोलिंग हो चुकी है, कुछ लोग ही पीछे रह गए हैं जो अभी एक एक करके पहुँच रहे हैं और पोलिंग हो रही है। तो ऐसी ही सिचुएशन जो है वो जितने भी विधानसभा यहाँ पर पोलिंग सेंटर बनाए गए हैं अखनूर विधानसभा के भीतर, वहाँ पर भी ऐसी ही है और लोग वहाँ पर अधिकांश अपना मत का प्रयोग कर चुके हैं और यहाँ पर लोगों के अंदर उत्साह इसी बात को लेकर है कि जिला विकास परिषद का चुनाव जो होगा उससे उनके गांव की तरक्की होगी। तो आप बता रहे हैं पवन की वहां जबरदस्त वोटिंग हुई है, लेकिन अब लगभग सभी ने अपना वोट कास्ट कर लिया, ऐसा आपका दावा है। पीछे बिल्कुल खाली तस्वीर आप दिखा रहे हैं। इधर आर्टिकल 370 हटने के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पहली दफे जिला विकास परिषद यानी DDC के चुनाव हो रहे हैं। ये चुनाव 8 चरणों में कराए जा रहे हैं, जिसमें पहले चरण के लिए आज वोटिंग हो रही है। मतदान सुबह 7 बजे से 2 बजे तक के बीच में है, 5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। 19 दिसंबर को 8वें यानी आखिरी चरण का मतदान होगा और 22 दिसंबर को नतीजे घोषित होंगे। और पहले चरण में यानी आज जो चरण चल रहा है उसमें 43 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आज ही पंचायत और नगर निगम के उपचुनाव भी हो रहे हैं और मतदान के दौरान कोरोना वायरस से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। 370 की वजह से जम्मू कश्मीर में जिला पंचायत के चुनाव नहीं हो सकते थे। जब तक पॉलिटिकल प्रोसेस जमीन से नहीं होगा, जब तक जिला पंचायतें हैं, लोकल बॉडीज हैं, वहां तक पॉलिटिकल जो प्रक्रिया है वहां तक नहीं होगी, तब तक जो है वो राजनीतिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया अधूरी रहती है। जिस जुनून और जज्बे के साथ लोग जो है वो इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सेदार भागीदार बन रहे हैं, हम उनको नतमस्तक होकर के सलाम करते हैं।